हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल बाय युक्ति। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग करने वाले हैं गेट रेडी विद मी वाली वीडियो, और उसमें मेरे साथ है मेरी फर्स्ट कज़न। हेलो एवरीवन, मैं हूँ समीक्षा। तो ये मेरी फर्स्ट कज़न है, ये हमारे घर आई हुई थी अभी थोड़े दिन स्टे करने के लिए, तो मैंने इसको फोर्सफुली बिठाया कि चल तू ना, मैं तेरे साथ तेरी मेकअप की और गेट रेडी विद मी वाली जैसी वो वीडियोज़ होती है, तो हम दोनों मिलकर वो वीडियो शूट करेंगे, तो उसके लिए ये यहाँ पर आई है। तो तू बता, तेरे को वेस्टर्न वियर पहनना है कि इंडियन वियर? वेस्टर्न वियर। तो ठीक है, अभी मैं तेरे को मेरी अलमीरा में से तेरे को जौन सा भी आउटफिट पसंद आता है तो अपने लिए वो सिलेक्ट कर ले, फिर उसके बाद हम तेरी वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आ जा। तो अभी ये अपने आउटफिट सिलेक्ट करने लगे मेरी अलमीरा में से, तो मैं इसको बता दूँ कि जो ये वाले हैं सारे यहाँ पे मिक्स है, कुछ सूट्स हैं और कुछ वेस्टर्न वियर्स हैं, लेकिन नीचे सारे सूट्स हैं। ठीक है, और ऊपर भी तो देख सकती है, यहाँ पे सारे ट्यूनिक्स और वो सब है, तो तू देख ले, देखो जौन सा भी पसंद आता है ना अपने लिए। बहुत कुछ रख रखा है, बहुत ज्यादा वैरायटी है मनी के पास। ये वाली ड्रेस अच्छी लग रही है, इसके बारे में कुछ पता है क्या है? ये ना वो है, ये जैकेट है इसकी, और ये ना वन पीस है, फ्लोर लेंथ है ये। ठीक है, और ना इसके साथ इसकी ये गोल्डन वाली बेल्ट है। ओ, ये गोल्डन मैं इसके साथ वेयर करती हूँ, बाकी देखो अगर ब्लैक या कुछ और वेयर करनी हो तो यहाँ पे बेल्ट्स हैं, तू वो देख सकती है। ठीक है, ये वाली करनी है तेरे को फिर? ठीक है। तो गाइस, अभी मेरी गेट रेडी विद मी की वीडियो शूट हो रही है, तो ये सारा मेकअप का सामान है और ये मेरे कपड़े हैं जो मैं पहनने वाली हूँ। तो इसने अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट करी है जो कि है ये वाली, और इसके मेकअप के लिए मैंने ये वाला सामान सारे इकट्ठा किया है। इसमें फाउंडेशन, आई शेडो, चीक टेंट, लिपस्टिक्स, क्या बोलते हैं जैसे कि हमारा आईलाइनर हो गया, या फिर जो मस्कारा वो सब है, तो वो सारा सामान मैंने निकाल लिया है। ज़्यादा मेकअप करना तो मेरे को भी नहीं आता क्योंकि मैं कभी मेकअप नहीं करती, खाली लिपस्टिक और आईलाइनर लगा लेती हूँ, बट आज तेरे पे एक्सपेरिमेंट होगा तो तेरे साथ एक्सपेरिमेंट होने वाला है, आज बच के रही हो। मैं भी बदला लूंगी एक दिन ये भी सही है वैसे आप सबको बताऊं कि ये बहुत अच्छी एनिमे की पेंटिंग करती है, इसका भी खुद का एक इंस्टाग्राम का पेज है, और वहाँ पे कितने वो तेरे वो है फॉलोवर्स? ओवर 1K। हाँ, इसके अराउंड 1K फॉलोवर्स है वहाँ पे, और इसकी पेंटिंग जो है वो बहुत ही सुंदर होती है, जो कि काफी गुड है। मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे विजिट करना, वाताशी वो ओताकू देस। इसका मैं जो पेज का नाम है ना वो आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, आप लोग भी जाके इसकी एनिमेस को लाइक करना और इसके पेज को जो है वो आप फॉलो करना। तो सबसे पहले तो मैं इसके लगाऊंगी ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साथ ही साथ ये सनस्क्रीन, और इसने जो अपनी ड्रेस थी वो चेंज कर ली है अभी। तो ये तेरे को मॉइस्चराइजिंग क्रीम दे रही हूँ, ये तो अपने अप्लाई कर ले खुद। तो इसके मैंने ये सेरावी की मॉइस्चराइजिंग क्रीम थी तो वो लगाई है पहले मैंने, अब मैं इसके दो चीज़ें लगाई हैं, मतलब मैंने सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो उसके बाद अब मैं इसके सबसे पहले लगा रही हूँ कंसीलर, ये मेबलिन का। सच में मुझे मेकअप ज़्यादा नहीं आता, जितना मैंने थोड़ा बहुत ऐसे देखा है कहीं ना कहीं, उस हिसाब से वो हम करने वाले हैं। थोड़े दिन पहले मेरे कॉलेज में फेस्ट हुआ था, पता है? अच्छा, वो डांडिया वगैरह का हुआ होगा, अब तो वही चल रहा है। हमारे कॉलेज में आज सैटरडे है ना, तो आज होना था, बट अब आज मैं तो गई नहीं अब फेस्ट में, क्योंकि तुम लोग आए हुए थे। मेरी फ्रेंड ने भी करा था मेकअप, बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप कर लिया था उसने ओकेजन के अकॉर्डिंग। अरे यार, ये फेस्ट वगैरह का ना यही पंगा होता है। एक तो कॉलेज के फेस्ट दिन में होते हैं, जो थोड़ा बहुत कोई रात को होते हैं, रात को तो वैसे ही सारा मेकअप हो जाता है, डांस वांस करके तो वैसे मेकअप उतर जाता है। तूने क्या पहना था? मैंने तो क्रॉप टॉप और स्कर्ट और चुन्नी साथ में। अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो इसके मैंने अभी कंसीलर अप्लाई कर दिया था, और अब आ रही है फाउंडेशन की। इसको
उसको बहुत ही ना मिनिमल सा मेकअप चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं डर डर के एक तो बहुत ही कम सा जो फाउंडेशन है वो लगा रही हूँ, और डोंट स्किप द नेक पार्ट, क्योंकि मैंने कहीं सारी जगहों पर देखा है कि फेस का कलर तो इक्वल हो जाता है बट कई बार जबकि नेक का कलर होता है वो अनइवन रह जाता है। तो ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करके मर्ज करना, क्योंकि मुझे बड़ा सॉफ्ट सा लगता है, अच्छा अच्छा सा इसको करना ऐसे। तो इसके मैंने कंसीलर और जो फाउंडेशन था वो सब अप्लाई कर दिया है, अब बारी है आई शेडो की। तो इसकी जो आईज हैं और जो इसका ओवरऑल मेकअप है वो हम सारा न्यूड ही लेंगे, क्योंकि इसकी ड्रेस का जो कलर है वो भी काफ़ी मतलब समरी सा है। तो गाइस अब बारी है आईलाइनर की, तो मैं इसके फेस पे आई शेडो तो लगा दी है, बहुत लाइट से लगाई है मैंने, और अब मैं इसके आईलाइनर लगाऊंगी। अच्छा सा मेकअप करियो थोड़ा, अब तो ना तो फंस चुकी है अब तो अच्छा हो चाहे बुरा हो तेरी पिटाई होगी अगर गंदा हुआ तो। नहीं यार ऐसे तो अच्छा ही करूंगी, टेंशन ना ले, फिर तो डरा मत चल ठीक है। तो अब इसकी आई शेडो और आई लाइनर तो कर दिया था, अब मैं इसके ये चीप टिंट लगाने वाली हूँ। ये मैं भी कई बार कॉलेज लगा जाती हूँ, बड़ा अच्छा है ये, तू भी ट्राई करके देखियो। इसके मैंने चीप टिंट लगा दिया था और इसको भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही वो कर रही हूँ मर्ज। तो गाइस यहाँ पे इतना फनी मोमेंट हो गया है कि हमें सारी आईज का मेकअप करने के बाद हमने जब चीक्स भी कर दिया ना तो मुझे याद आ रहा है कि मस्कारा तो रह गया, आईज का जब मेकअप चल रहा हो मस्कारा तो तभी लगता है और वो रह गया, तो मैं इसके मस्कारा लगा रही हूँ। और इसकी आईज मस्कारा लगाने के बाद बहुत ही सुंदर लग रही है, इसकी आई लैशेज जो है बहुत अपलिफ्टेड सी लग रही है। तो अब आ रही है इसके लिपस्टिक लगाने की, लिपस्टिक के लिए मैंने बहुत ही लाइट मतलब पिंक सा शेड इसके लिए चूज़ किया है। तो इसके मेकअप की जो लुक है ना वो इसके लिए सरप्राइज होने वाली है, मतलब फुल जब इसका मेकओवर हो जाएगा ना तभी इसके बाद इसको मिरर देखने को मिलेगा, उससे पहले ये मिरर नहीं देख सकती। तो तुझे मतलब कैसा लग रहा है कि कैसा हुआ हो रहा होगा मतलब अभी तक तेरा मेकअप? भरोसा तो है, इतनी मेहनत करी है तूने, इतना टाइम लगाया है, कुछ अच्छा ही करा होगा बुरा निकला तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नहीं अभी जब तेरा फाइनल लुक हो जाएगी उसके बाद तू मिरर देख के फिर बताइयो कि तेरे को कैसा लगा, हम घर में भी सबसे पूछेंगे जाके सबसे कि उन सबको तेरी लुक कैसी लगती है। ठीक है, तो इसकी ड्रेस के अकॉर्डिंग मैंने इसके लिए ये वाले इयररिंग्स चूज करे हैं। इसके गले में तो कुछ आ नहीं पाएगा क्योंकि इसके ऊपर ना अभी एक जैकेट है, तो जैकेट की वजह से सारा नेक तो कवर हो जाएगा, तो ओनली इयररिंग्स के लिए मैंने ये वाले चूज करे हैं। तो इसका मेकअप और इयररिंग्स वगैरह जो है वो सब तो हो गया, अब बारी है इसके हेयर्स की। देखो कैसा चाहिए, मतलब लॉन्ग हेयर मतलब ऐसे ओपन हेयर्स रखने हैं कि टाई करने हैं? ओपन हेयर्स, तो इसके लिए मैं इसका हेयर स्टाइल बनाने वाली हूँ। हेयर स्टाइल तो मुझे फिर भी थोड़े बहुत आते हैं पर मेकअप मैंने आज पहली बार ही किया है इसका। तो इसकी ऑलमोस्ट जो लुक है मेकअप की वो रेडी हो गई है, अब बस इसके मैंने हेयर स्टाइल भी बना दिया, अब बस इसके ये बो लगाऊंगी और फिर इसकी जो लुक है वो सारी की सारी कम्प्लीट हो जाएगी। तो अब इसको मैंने रेडी कर दिया है और आप लोग भी देख सकते हो ये है इसकी फाइनल लुक, और अब ये खुद भी खुद को मिरर में देखने वाली है, तो देख कैसा लग रहा है बता। अच्छा लग रहा है, गन फिटाई नहीं होगी आज तेरी। सही है, फिर ठीक है, देखो पसंद आई तेरी लुक? हाँ बहुत बढ़िया, अब सबको दिखाते हैं घर में और सबके भी रिएक्शंस कैप्चर कर देगी और सब बाकी को तेरी लुक कैसी लगी। आजा, तो अब मैंने टिश्यू जो रेडी किया था अब हम अंदर चलेंगे और सबके रिएक्शंस लेंगे। अरे यहाँ तो सारे खाना खा गए, ये देखो इसको मैंने रेडी किया है, कैसी लग रही है ये? बिल्कुल परी के जैसी।
ट्रिपे तेरा कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है बहुत। तुझे? बढ़िया। पापा आपको? बहुत पहले भी बहुत अच्छी है। और ये थी इसकी लुक। तो ये हम लोग बाहर आ गए थे और ये इसका मेकअप धूप में हम लोग देख रहे थे कि कैसा लगता है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे अपने आप पे यकीन हो गया कि अगर मैं कभी मेकअप करूँगी तो इतना बुरा भी नहीं करूँगी। और ये इसकी फाइनल लुक जिसमें ये बहुत ही अच्छी लग रही है और इसका मेकअप भी बहुत अच्छा आया है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।